गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी वेल। दिस इज़ अमित कुमार, योर साइंस टीचर, एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू लेसन 3, लाइफ एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। तो बच्चों, आपका लेसन 1 और लेसन 2 कंप्लीट हो चुका है। आज मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा लेसन 3, लाइफ एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। जानवरों का जीवन और उनका उत्तरजीवन, सर्वाइवल। तो इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे एडेप्टेशन इन एनिमल्स, जानवरों में प्रतिकूलन की स्थिति। एडेप्टेशन टू हैबिटेट, जानवरों का उनके हैबिटेट के आधार पर अनुकूलन। उसके बाद एडेप्टेशन टू फूड, भोजन के लिए अनुकूलन। और प्रोटेक्शन एडेप्शन और एडेप्शन फॉर प्रोटेक्शन, सुरक्षा के लिए अनुकूलन। तो इन चारों की पॉइंट्स को हम लोग इसमें जानेंगे। ओके बच्चों, तो विदाउट एनी डिले हम लोग डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स ऑन द अर्थ, हमारे इस अर्थ पर बहुत प्रकार के एनिमल्स रहते हैं। दे लिव ऑन लैंड, इन वाटर और इन एयर, ये जानवर जमीन पर रहते हैं, जल में रहते हैं और हवा में रहते हैं, एयर में रहते हैं। अर्थ हैज वास्ट एरियाज ऑफ ग्रासलैंड, बिग ओशियन, रिवर्स, आइसी माउंटेंस एंड स्कोर्चिंग डेजर्ट। अर्थ पर विशाल घास के मैदान हैं, बड़े बड़े महासागर हैं, रिवर्स हैं, आइसी माउंटेंस हैं, स्कोर्चिंग डेजर्ट हैं। ओके, द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, रेनफॉल एंड विंड वेरी अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट इन दिस रीजन। और इन क्षेत्रों में, अभी जस्ट मैंने ऊपर में जिन भी क्षेत्र एरिया का नाम लिया है, चाहे वो वास्ट एरिया ऑफ ग्रासलैंड हो, विग ओशियन हो, रिवर हो, इन सभी में सनलाइट का जो ड्यूरेशन है, या फिर रेनफॉल की जो ड्यूरेशन है, हवा की जो ड्यूरेशन है, सीजन और क्लाइमेट की जो ड्यूरेशन है, वह इनके स्थानों के आधार पर होती हैं। एनिमल्स लिव इन अ प्लेस विच प्रोवाइड देम प्लेंटी ऑफ फूड, वाटर एंड द राइट काइंड्स ऑफ एनवायरनमेंट टू लिव एंड रिप्रोड्यूस। तो जनरली सभी एनिमल वैसे प्लेस पर रहना चाहते हैं जहाँ पर उन्हें प्रचुर मात्रा में भोजन उपलब्ध हो, जल उपलब्ध हो और उनके लिए अनुकूल वातावरण हो, ताकि वह वहाँ पर रहे और अपने बच्चों को जन्म दे और उनका पालन पोषण करे। ओके बच्चों, दिस टाइप ऑफ एनवायरनमेंट विच इज जस्ट राइट फॉर एन एनिमल टू लिव एंड थ्राइव इज कॉल्ड हैबिटेट। तो वैसा प्लेस या वैसा एनवायरनमेंट जो एनिमल को प्रोवाइड करता है राइट अमाउंट ऑफ फूड, शेल्टर एंड एनवायरनमेंट, जो उनके रहने के लिए अनुकूल हो, वैसे प्लेस को कहा जाता है हैबिटेट। क्या कहा जाता है बच्चों? हैबिटेट कहा जाता है। एनिमल्स चूज टू लिव इन अ हैबिटेट विच सूट देम बेस्ट, एनिमल वैसे प्लेस को चूज करते हैं रहने के लिए जो उन्हें सूट करता हो, जो उनके लिए अनुकूल हो। नेक्स्ट है एडेप्शन इन एनिमल्स। तो वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, हम लोग विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार के जानवरों को देखते हैं। वे सम काइंड्स ऑफ एनिमल्स आर नॉट फाउंड इन एवरी प्लेस ऑन द अर्थ, कुछ एनिमल्स अर्थ पर हर जगह नहीं पाए जाते हैं। Do you notice any difference in the behavior and the body design of these animals? क्या आपने कभी notice किया है इन जानवरों के behavior के बारे में, या फिर इनके design structure के विषय में? Why is it so? अगर किया होगा तो आपने देखा होगा कि उनके जो behavior होते हैं वो different होते हैं, इनके जो shape होते हैं body के वे different होते हैं, different structure होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो एनिमल्स फाउंड इन डिफरेंट एनवायरनमेंट कंडीशन सो डिफरेंट बिहेवियर, मतलब अलग अलग
इन्वायरमेंट में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वह अलग अलग के बिहेवियर को, व्यवहार को शो करते हैं। सम एनिमल्स वॉक, सम फ्लाई, अदर जंप, क्राउल और स्विम। कुछ एनिमल्स चलते हैं, वॉक करते हैं, कुछ उड़ते हैं, कुछ जंप करते हैं, कुछ रेंग कर चलते हैं, कुछ तैरते हैं। ओके, वी आल्सो ऑब्जर्व डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स दैट लिव इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं बहुत सारे एनिमल का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वह काफ़ी डिफरेंट होता है अलग अलग प्लेस पर रहने वाले एनिमल्स के लिए। ऑल दीज फीचर्स हेल्प देम टू सर्वाइव इन द सराउंडिंग बाय एडजस्टिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशन। तो इनमें जो इनके जो बिहेवियर होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, शेप होते हैं, यह अलग अलग इन्वायरमेंट में इन्हें इन्वायरमेंटल कंडीशन में इन्हें सर्वाइव करता है, प्रोटेक्ट करता है। ओके, फॉर एग्जांपल फिश आर एडेप्टेड टू लिव ओनली इन वाटर। फिश जो होती हैं उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वह केवल वाटर में रहने के अनुकूल होता है। दिस प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ एनिमल एंड प्लांट अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग इन विच दे लिव इज कॉल्ड एडेप्टेशन। तो वह प्रोसेस जिसमें एनिमल अपने आप को एनवायरमेंटल कंडीशन के आधार पर, अपने उनके सराउंडिंग के आधार पर रहने में हेल्प करते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है एडेप्टेशन। क्या कहा जाता है बच्चों? एडेप्टेशन। क्लियर है? यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स। द टाइप ऑफ एनवायरमेंट विच इज राइट फॉर एन एनिमल टू लिव एंड थ्राइव इज कॉल्ड इट्स, यहाँ पर हो जाएगा हैबिटेट। ओके, द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग विच दे लिव इज कॉल्ड एडेप्टेशन। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है एडेप्टेशन टू हैबिटेट। एनिमल्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग टाइप अकॉर्डिंग टू द हैबिट एंड द स्पेशल फीचर दे हैव डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू थ्राइव इन अ पार्टिकुलर एनवायरनमेंट। तो एनिमल्स जिस प्लेस पर रहते हैं उस प्लेस पर रहने के लिए वहाँ का जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, वहाँ का जो सराउंडिंग है, उस सराउंडिंग में रहने के लिए अपने कुछ स्पेशल बॉडी फीचर डेवलप कर लेते हैं जो उन्हें उस पार्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहने में हेल्प करता है। तो पार्टिकुलर इन्वायरमेंट के आधार पर उन्हें वे रखा गया है कुछ प्रकार में। ये हैं टेरिस्टेरियल एनिमल्स। टेरिस्टेरियल एनिमल्स क्या होते हैं? तो वैसे एनिमल जो लैंड पर सर्वाइव करते हैं, लैंड पर रहते हैं, उन्हें कहा जाता है टेरिस्टेरियल एनिमल्स। नेक्स्ट है नॉक्टर्नल एनिमल्स। ओके, इसके बाद है एक्वेटिक एनिमल्स, एर्बोरियल एनिमल्स, एरियल एनिमल एंड एम्फीबियंस। इन सभी के बारे में हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो सबसे पहले हम लोग आते हैं टेरिस्टेरियल एनिमल्स। तो एनिमल्स विच लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरिस्टेरियल एनिमल्स। तो वैसे एनिमल जो लैंड पर निवास करते हैं उन्हें कहा जाता है टेरिस्टेरियल एनिमल्स। एग्जांपल्स के लिए लायन, टाइगर, एलिफेंट, गोट्स, ये सभी क्या हैं? टेरिस्टेरियल एनिमल्स हैं। एनिमल्स लाइक रेबिट, मैंगूज लिव इन बुरो, मोस एंड रेट लिव इन अंडरग्राउंड टनल एंड स्नेक लिव इन होल मेड बाय अदर क्रिएचर। तो बच्चों आप सभी रेबिट्स और मिंगूस के बारे में जानते होंगे कि ये ज़मीन के अंदर क्या करते हैं? बुरो, इनका जो घर होता है, होल जो होता है, इन्हें बुरो कहा जाता है, जिसमें ये निवास करते हैं। इसी प्रकार मोल्स और रेट भी ग्राउंड के अंदर टनल में रहते हैं। और स्नेक्स के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, सांप जो होते हैं वह दूसरे क्रिएचर जैसे मोल हुए, उसके बाद रेट्स हुए, इनके द्वारा बनाए गए घर में ग्राउंड के अंदर निवास करते हैं। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है एडेप्टिव फीचर्स ऑफ टेरिस्टेरियल एनिमल्स। टेरिस्टेरियल एनिमल्स के क्या एडेप्टिव फीचर होते हैं? इनके शरीर टेरिस्टेरियल मतलब लैंड पर निवास करने के लिए किस प्रकार अनुकूल होते हैं? ओके,
तो मस्ट ऑफ दीज एनिमल्स हैव लेग टू वॉक एंड लंग्स टू ब्रीथ। तो टेरिस्टेरियल एनिमल्स के पास डेफिनेटली लेग्स होते हैं जिसके सहारे यह लैंड पर मूव करते हैं, और सांस लेने के लिए इनमें लंग्स होते हैं जिसके थ्रू ये सांस लेते हैं। क्लियर है? ओके बच्चों, दे हैव वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गेन एंड अ नर्वस सिस्टम फॉर क्विक रिस्पॉन्स टू चेंज इन देयर सराउंडिंग। तो टेरिस्टेरियल एनिमल्स में वेल डेवलप्ड ऑर्गेन्स होते हैं, ओके, और नर्वस सिस्टम होते हैं जो उन्हें क्विकली हेल्प करते हैं रिस्पोंड करने के लिए इनके सराउंडिंग में अगर कोई सडन चेंज होता है। ओके, जैसे गर्मी पड़ती है तो इन्हें महसूस होता है, ठंड पड़ती है तब भी महसूस होता है, बारिश में महसूस होता है, मतलब वेदर को, सीजन को, इन सभी को ये महसूस करते हैं और इसके लिए अपने बॉडी में विशेष फीचर्स को डेवलप कर लेते हैं जो इन्हें सर्वाइव करते हैं ऐसे कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट है, एनिमल्स लाइक स्नेक डू नॉट हैव लेग, दे हैव स्केल्स दैट हेल्प देम टू क्राउल। तो बच्चों, सांप जो होते हैं उनमें लेग्स नहीं होते हैं, उन वे अपने शरीर के सतह से मूव करते हैं, क्राउल करते हैं, रेंगते हैं, इन्हें कहा जाता है स्केल्स। क्या कहा जाता है बच्चों? स्केल्स कहा जाता है। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर, इनके पास इनको सुनने के लिए बाहरी ईयर्स नहीं होते हैं, बट दे कैन फील द साउंड, बट ये साउंड को क्या करते हैं? फील करते हैं, महसूस करते हैं। ओके, एज वेल एज सेंस मोमेंट थ्रू वाइब्रेशन इन टू द ग्राउंड, और इसके बाद ग्राउंड में जो भी वाइब्रेशन होता है उस वाइब्रेशन के थ्रू ये रिस्पोंड करते हैं। नेक्स्ट है, एनिमल्स लिविंग इन कोल्ड रीजन लाइक पोलर बियर एंड याक हैव फर और लॉन्ग हेयर ऑन देयर बॉडी टू कीप देम वार्म। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कोल्ड रीजन में रहते हैं, जैसे पोलर बियर हुए, याक हुए, इन सभी के बॉडी में जो फर होते हैं, बाल होते हैं, जो काफ़ी लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं, जो इन्हें गर्मी प्रदान करते हैं विंटर सीजन में वहाँ पर सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर सालों भर ठंड पड़ती है, ऐसे सीजन में इनमें जो लॉन्ग लंबे लंबे फर होते हैं या इन्हें वार्मथ प्रोवाइड करते हैं, गर्मी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है, दीज एनिमल्स आल्सो हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन विच कीप देम वार्म एंड आल्सो सप्लाई एनर्जी व्हेन फूड इज स्केर्स। कहने का मतलब, ऐसे एनिमल जो पोलर रीजन में रहा करते हैं जहाँ पर सालों भर कोल्ड वेदर होता है, ओके, तो इनमें वेल डेवलप्ड फीचर्स तो होते ही हैं कि इनमें लंबे लंबे फर होते हैं जो इन्हें वो गर्मी प्रदान करते हैं, साथ ही साथ इनका जो स्किन होता है, स्किन के अंदर फैट्स होते हैं। क्या होते हैं? फैट्स होते हैं। यह फैट्स उन्हें वार्मथ प्रोवाइड करते हैं, गर्मी प्रदान करते हैं, और साथ ही साथ जब भोजन की स्कार्सिटी होती है तो उस केस में ये उन्हें एनर्जी भी प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है, इन विंटर व्हेन देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ फूड सम एनिमल्स लाइक पोलर बियर गो टू स्लीप फॉर अ लॉन्ग टाइम, दिस इज कॉल्ड हाइबरनेशन। वहीं विंटर सीजन में ऐसे प्लेस पर भोजन की स्कार्सिटी होने पर, भोजन की कमी होने पर ये एनिमल लंबे समय के लिए सो जाते हैं, इस प्रक्रिया को कहा जाता है हाइबरनेशन। क्या कहा जाता है बच्चों? हाइबरनेशन कहा जाता है। एनिमल्स हाइबरनेट और गो इनटू डीप स्लीप टू एस्केप एक्सटर्म कोल्ड एंड फूड स्कार्सिटी। तो ऐसे एनिमल जो पोलर रीजन में रहते हैं, ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, ये काफ़ी लंबी स्लीप लेते हैं, डीप स्लीप लेते हैं, जिससे क्या होता है कि इन्हें एक्सटर्म कोल्ड का अनुभव नहीं हो पाता है, ओके, साथ ही साथ भोजन की जो स्कार्सिटी होती है उससे भी इनको प्रभाव नहीं पड़ता है। ड्यूरिंग दिस टाइम दीज एनिमल्स लिव ऑन द फैट स्टोर्ड इन देयर बॉडीज। ऐसे कंडीशन में ये एनर्जी या फिर भोजन प्राप्त करते हैं इनके बॉडी में स्टोर्ड फैट्स के द्वारा, ओके। बच्चों, आप पहले से ही जानते हैं कि फैट्स एक एनर्जी गिविंग फूड है जो एनिमल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है, डेजर्ट रीजन आर नॉट हॉट ड्यूरिंग द डे एंड वेरी कोल्ड एट नाइट, एनिमल्स लिव इन दिज रीजन नीड टू कंजर्व वाटर इन देयर बॉडीज, दे आर वेल एडेप्टेड टू सर्वाइव ऑन द लेस फूड एंड वाटर। कैमल इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ डेजर्ट एनिमल।
तो बच्चों, डेजर्ट वैसा प्लेस है, वैसा रीजन है, वैसा क्षेत्र है जहाँ पर बहुत दिन के समय में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और रात के समय में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। दिन के समय में वहाँ का टेम्परेचर अप्रोक्स 45 to 50 के आसपास होता है और नाइट का टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। तो ऐसे एरिया में जो रहने वाले एनिमल होते हैं, यह वाटर को क्या करते हैं, अपने बॉडी में कंजर्व करके रखते हैं, संरक्षित संचित करके रखते हैं, ताकि वाटर, क्योंकि वहाँ पर वाटर की अनुपलब्धता होती है, वाटर जल्दी मिलते नहीं हैं, तो ये वाटर को अपने बॉडी में संचित करके रख लेते हैं। दे आर, उनके पास जो जीने के लिए वेल डेवलप्ड फीचर्स होते हैं, एडेप्टिव फीचर्स होते हैं, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, भोजन और वाटर का इनमें हरासमेंट बहुत ही कम होता है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल केमल है। केमल का जो बॉडी होता है, ये ऊपर में जो देख रहे हैं आप, इसे हॉप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉप्स कहा जाता है। इसमें ये स्टोर करते हैं वसा को, ओके, जो इन्हें समय समय पर भोजन और वाटर की अनुपलब्धता होने पर इन्हें सर्वाइव करते हैं डेजर्ट में। क्लियर है बच्चों? केमल्स हैव थिक स्किन एंड सॉफ्ट फर, देयर स्किन प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हीट। केमल के का जो शरीर होता है, इन पर काफ़ी मोटे स्किन होते हैं और छोटे छोटे फर होते हैं जो उन्हें हेल्प करते हैं कोल्ड रखने में गर्मी के समय में। दे आल्सो हेल्प स्पेशल ऑर्गन टू स्टोर वाटर, और इनके बॉडी में स्पेशल ऑर्गन होते हैं जो वाटर को स्टोर करके रखते हैं। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है नॉक्टर्नल एनिमल्स। तो इफ़ यू हैव एवर बीन टू अ विलेज और एनी अदर प्लेस फार अवे फ्रॉम सिटी, यू माइट हैव हर्ड द साउंड ऑफ आउल हूटिंग और जैकाल हॉलिंग एट नाइट। अगर आप गांव गए होंगे घूमने के लिए या शहर से कहीं दूर गए होंगे गांव में घूमने के लिए, आपने अवश्य ही उल्लू की जो हूटिंग आवाज़ होती है उसे सुना होगा, और जैकल सियार जो होते हैं वह उनकी हॉलिंग जो होते हैं वो हुआ 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 का साउंड करते हैं, इन्हें अवश्य ही सुना होगा। एनिमल्स डेट कम आउट एट नाइट इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर आर कोल्ड नॉक्टर्नल एनिमल्स। तो ऐसे एनिमल जो रात के समय में भोजन और वाटर की तलाश में निकलते हैं उसे कहा जाता है नॉक्टर्नल एनिमल्स। सम एग्जाम्पल ऑफ नॉक्टर्नल एनिमल्स आर आउल, बैट, मोस, जैकाल, इटीसी। ये सभी अपने भोजन को रात में, भोजन और वाटर की तलाश में निकलते हैं। दे कैन सी वेरी वेल एट नाइट, इन्हें रात में बहुत ही अच्छे से दिखाई देता है। ड्यूरिंग द डे टाइम दीज एनिमल्स स्टे इन देयर शेल्टर्स, दिन के समय में ये जानवर अपने आवास में, अपने घरों में आराम करते हैं। ओके, नेक्स्ट है एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स, ऐसे एनिमल जो जल में रहते हैं उन्हें कहा जाता है एक्वेटिक एनिमल्स। तो एनिमल्स विच लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल, वैसे एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं उन्हें कहा जाता है एक्वेटिक एनिमल्स। फिश, स्नेल, वेल, प्राउंस, ऑक्टोपस, क्रेब, ईटीसी आर एक्वेटिक एनिमल्स। ये सभी क्या हैं? एक्वेटिक एनिमल्स हैं। एक्वेटिक एनिमल्स आर फाउंड इन ओशियन, लेक, रिवर एंड पॉन्ड, ये पाए जाते हैं महासागर में, झीलों में, नदियों में और तालाबों में। ओके, अब हम लोग जानेंगे एडेप्टिव फीचर्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल्स के जो बॉडी में क्या क्या एडेप्टिव फीचर्स होते हैं, तो फिश हैव फिन्स और लिम्स विच हेल्प देम टू स्विम। फिश के बॉडी में फिन्स और लिम्स होते हैं जो उन्हें हेल्प करते हैं स्विम करने में, तैरने में। ओके, एक्वेटिक बर्ड्स लाइक डक हैव वेब्ड टूज विच हेल्प देम टू पुश वाटर बैक वाइल स्विमिंग। तो कुछ ऐसे बर्ड होते हैं जो वाटर में तैरते हैं, जैसे कि डक, इनके जो पैर होते हैं इनमें झिल्लीदार स्किन होती है, झिल्लीदार स्किन होती है जिसके सहारे यह वाटर को पीछे की ओर पुश करते हैं और तैरते हैं। मस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल ब्रीथ थ्रू लंग्स, अदर लाइक वेल एंड डॉल्फिन हैव लंग्स टू ब्रीथ। जनरली ज़्यादातर मछलियाँ जो होती हैं, ज़्यादातर एक्वेटिक एनिमल्स सांस लेते हैं अपने गिल्स के सहारे, बट कुछ ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स हैं जैसे कि वेल्स हो गई, डॉल्फिन हो गई, इन सभी में लंग्स होते हैं सांस लेने के लिए। ओके, ये अपने लंग्स के फेफड़े से सांस लेते हैं। नेक्स्ट है एयरबोरियल एनिमल्स। क्या बच्चों?
arboreal animals. तो animals which live mostly on trees are called arboreal animals. तो वैसे animal जो पेड़ों पर रहते हैं उन्हें कहा जाता है arboreal animal. example के लिए monkeys, chimpanzees, chameleon, ये सभी अपना भोजन पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं. अब है adaptive features of arboreal animals. arboreal animals के क्या adaptive features होते हैं? तो they have a strong leg and arm. इनके जो पैर होते हैं, arms होते हैं, ये काफ़ी strong होते हैं. they also have a strong claws and a broad hip girdle to support their body while climbing. और इनके पास मजबूत पंजे और चौड़े hips girdle होते हैं जो इन्हें support करते हैं पेड़ों पर चढ़ने में. okay बच्चों, नेक्स्ट है ए मंकीज लॉन्ग एंड कर्ली टेल हेल्प देम टू स्विंग फ्रॉम ब्रांचेज. बंदर के जो पूंछ होते हैं वह काफ़ी वो लंबे और कर्ली टेढ़े होते हैं जो उन्हें पेड़ों पर लटकने में हेल्प करते हैं. ओके, नेक्स्ट है एरियल एनिमल्स. तो एनिमल्स दैट फ्लाई आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स. वैसे एनिमल जो उड़ते हैं उन्हें कहा जाता है एरियल एनिमल्स. सम एग्जाम्पल्स ऑफ एरियल एनिमल्स आर बर्ड, स्पैरो, ईगल्स, क्रो एंड वल्चर. ये सभी क्या हैं? एरियल एनिमल्स हैं, बिकॉज ये फ्लाई करते हैं एयर में, इसलिए इन्हें कहा जाता है एरियल एनिमल्स. मैमल्स लाइक बैट एंड इंसेक्ट लाइक बी, फ्लाइज, बटरफ्लाइज, मोथ, ईटीसी आर आल्सो एरियल एनिमल्स. मैमल्स, मैमल्स किसे कहते हैं बच्चों? तो मैमल्स जो ये टर्म है वैसे एनिमल्स को कहा जाता है जो बच्चों को जन्म देते हैं और उन्हें अपना दूध पिलाते हैं, ऐसे जानवरों को कहा जाता है मैमल्स. ओके, तो बेट भी क्या है? मैमल्स है. उसके बाद इंसेक्ट में आते हैं बी, फ्लाई, बटरफ्लाई, मॉथ, ये सभी एरियल एनिमल्स के अंतर्गत आते हैं. क्लियर है बच्चों? एडेप्टिव फीचर्स ऑफ एरियल एनिमल. दे हैव विंग्स दैट इनेबल देम टू फ्लाई. इनके पास विंग होते हैं, पंख होते हैं, जिसके सहारे ये उड़ते हैं. बर्ड्स हैव लाइट होलो बोन्स एंड फीदर्स विच मेक फ्लाइट पॉसिबल. और बर्ड्स का जो बोन होता है वो होलो होता है, अंदर से खोखला होता है. इनके पास फीदर्स होते हैं जो इन्हें उड़ने में हेल्प करते हैं. देयर स्ट्रीम लिंड बोट स्ट्रीम लिंड बॉडीज इनेबल देम टू कट थ्रू एयर इजिली. इनके जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वह स्ट्रीम लिंड होता है, मतलब बोट शेप्ड होता है, जिससे कि ये एयर में आसानी से एयर को काट सके और उससे उसमें तैर उड़ सके. शार्प आई साइट हेल्प सम बर्ड्स टू स्पॉट फूड फ्रॉम ग्रेट हाइट. कुछ ऐसे भी एरियल एनिमल्स होते हैं जो काफ़ी हाइट से उड़ रहे होते हैं, होने के बावजूद भी अपने शिकार को, भोजन को ग्राउंड में आसानी से देख पाते हैं, बिकॉज इनकी जो आई साइट होती है, इनकी देखने की जो क्षमता होती है वह काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है. क्लियर है बच्चों? डू यू नो द कलर ऑफ ऑक्टोपस ब्लड इज ब्लू. ऑक्टोपस जो कि एक एक्वेटिक एनिमल है, इसके इसका जो ब्लड होता है वह नीला होता है. ओके बच्चों, तो इसे आप सभी याद रखेंगे. अब हमारा अगला टॉपिक है एम्फीबियंस. ओके बच्चों, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस क्या होते हैं? तो एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर आर कॉल्ड एम्फीबियंस. वैसे एनिमल्स जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं उन्हें कहा जाता है एम्फीबियंस. व्हेन दे आर यंग दे लिव इन वाटर, एज एडल्ट दे स्पेंड मस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन लैंड. जब एम्फीबियंस स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो ये अपना जीव ये रहते हैं वाटर में, और जब ये बड़े होते हैं, वयस्क हो जाते हैं, तो ज़्यादातर समय ये स्पेंड करते हैं लैंड पर. तो सम एग्जांपल्स ऑफ एम्फीबियंस आर फ्रॉग, टोड्स एंड सेलेमेंडर्स. ये तीनों, फ्रॉग, टोड्स और सेलेमेंडर्स, ये एम्फीबियंस हैं, बिकॉज ये लैंड और वाटर दोनों में सर्वाइव करते हैं. अब है एडेप्टिव फीचर्स ऑफ एम्फीबियंस. तो देयर मॉइस्ट स्किन हेल्प देम टू ब्रीथ इन वाटर. जब एम्फीबियंस वाटर में होते हैं तो इनके इनका जो शरीर जो कि मॉइस्ट होता है, ओके, मॉइस्ट स्किन इन्हें हेल्प करता है वाटर में ब्रीथ करने के लिए. दे आल्सो हैव लंग्स विच हेल्प देम टू ब्रीथ ऑन लैंड. और जब ये लैंड पर होते हैं एम्फीबियंस, तो इनमें लंग्स भी होते हैं जिसके माध्यम से ये सांस लेते हैं.
Frog have long, powerful hind legs for jumping on land and swimming in water. फ्रॉग्स के जो हिंड लिम्स होते हैं, पीछे के जो पैर होते हैं, वह काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसके सहारे ये क्या करते हैं, जंप करते हैं और वाटर में स्विम भी करते हैं. ओके, देयर वेव्ड फिट हेल्प देम टू स्विम फास्ट. और इनके जो पैर होते हैं पीछे के, इसमें झल्लीदार स्किन होता है. ओके, वेव्ड फिट होते हैं, जिसके सहारे ये क्या करते हैं, आसानी से वाटर में फास्टली मूव स्विम कर सकते हैं. क्लियर है बच्चों? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडेप्टेशन टू फूड. एडेप्टेशन टू फूड, एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एनिमल्स अलग अलग प्रकार के भोजन खाते हैं. सम ईट प्लांट्स एंड सम ईट अदर एनिमल्स. कुछ प्लांट्स खाते हैं, कुछ अदर एनिमल्स को खाते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इंटू फोर कैटेगरीज. जानवरों को उनके भोजन के आधार पर बांटा गया है चार भागों में. कितने भागों में? चार भागों में. इसके बारे में आप सभी पिछले क्लास में भी अध्ययन कर चुके हैं. ओके, और ये चार प्रकार हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस एंड पारासाइट्स. क्लियर है बच्चों? अब इन सभी का हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे. ओके, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है हर्बीवोरस एनिमल्स. तो एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स एंड ग्रासेस आर नॉन एज हर्बीवोरस एनिमल्स. वैसे एनिमल जो प्लांट और ग्रास को खाते हैं, उन्हें कहा जाता है हर्बीवोरस, या फिर एनिमल्स दैट ईट प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट आर कॉल्ड हर्बीवोरस. सम हर्बीवोरस एनिमल्स फर्स्ट स्वॉलो देयर फूड विदाउट च्यूइंग एंड कलेक्ट इट इन अ स्पेशल बैग इन देयर गट कॉल्ड रूमेन. कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो अपने भोजन को बिना चबाए हुए डायरेक्टली निगल जाते हैं और उसे अपने स्टोमेक के एक स्पेशल बैग में स्टोर करते हैं, जिसे कहा जाता है रूमेन. क्या कहा जाता है बच्चों? रूमेन. लेटर ऑन वाइल रेस्टिंग दे ब्रिंग इट बैक इनटू द माउथ टू च्यू इट. बाद में जब वे आराम करते हैं तो वे इस भोजन निगले गए हुए भोजन को वापस अपने माउथ में लाते हैं और उन्हें चबाते हैं. ओके, इस प्रक्रिया को कहा जाता है च्यूइंग द कर्ड. ओके, काउज, डियर एंड गोट्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ सच टाइप ऑफ एनिमल्स. तो ऐसे एनिमल हैं काउ, डियर और गोट्स. दीज एनिमल्स आर कोल्ड रूमिनेंट्स. ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है रूमिनेंट्स. ओके बच्चों, नेक्स्ट है एडेप्टिव फीचर्स ऑफ हर्बीवोरस. हर्बीवोरस के क्या एडेप्टिव फीचर्स होते हैं? तो दे यूजली हैव शार्प फ्लैट फ्रंट टीथ टू कट ग्रास एंड लीव्स ऑफ प्लांट्स. इनके जो आगे के दांत होते हैं, वह चौड़े और काफ़ी तीक्ष्ण होते हैं, जिसके सहारे यह घास को, पत्तियों को काटते हैं और खाते हैं. दे आल्सो हैव स्ट्रॉन्ग ब्रॉड बैक टीथ टू ग्रिंड देयर फूड. और इनके पीछे के जो दांत होते हैं, प्रीमोलर्स और मोलर्स, यह काफ़ी स्ट्रॉन्ग और चौड़े होते हैं, जिससे यह अपने भोजन को आसानी से ग्रिंड कर देते हैं, पीस देते हैं. ओके, जिससे कि उनका पाचन सही ढंग से हो पाए. दे हैव लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स विच इनेबल देम टू रन लॉन्ग डिस्टेंस. और इनके जो पैर होते हैं, यह लंबे और मजबूत होते हैं, जो उन्हें हेल्प करते हैं लंबी दूरी तय करने में. ओके, दौड़ने में. ओके, वेट. नेक्स्ट है कार्निवोरस. ओके, तो एनिमल्स विच ईट ओनली द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स आर नोन एज फ्लेश ईटिंग एनिमल्स और कार्निवोरस. वैसे एनिमल जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, उन्हें कहा जाता है फ्लेश ईटिंग एनिमल्स और कार्निवोरस एनिमल्स. फॉर एग्जांपल, लायन, टाइगर और उल्फ, ये सभी कार्निवोरस एनिमल्स हैं. अब इनमें क्या क्या एडेप्टिव फीचर्स हैं? तो दे हैव लॉन्ग शार्प एंड पॉइंटेड फ्रंट टीथ टू टीयर फ्लेश. इनके जो आगे के दांत होते हैं, वह काफ़ी लंबे, तीक्ष्ण और नुकीले होते हैं, जिससे ये अपने मांस को अपने आसानी से, दूसरे जानवरों के मांस को आसानी से फाड़ सके. दे आल्सो हैव अ स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ टू च्यू देयर फूड. और इनके जो पीछे के दांत होते हैं, प्रीमोलर्स और मोलर्स, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और चौड़े होते हैं, ताकि अपने भोजन को अच्छे से चबा सके. फ्लेश ईटिंग बर्ड्स लाइक वल्चर एंड एगल हैव शार्प क्लाउज टू कैच एंड होल्ड इट्स प्रे. कुछ फ्लेश ईटिंग बर्ड्स जैसे वल्चर और ईगल्स होते हैं,
जिनके क्लाउज पंजे जो होते हैं वह काफ़ी नुकीले होते हैं, जिससे ये अपने शिकार को आसानी से पकड़ते हैं और उन्हीं के सहारे और अपने दे हैव हुक्ड बीक टू टियर द फ्लेश, और उनके जो बीक होती हैं चोच होते हैं वह काफ़ी नुकीले होते हैं, जिससे ये अपने शिकार को फाड़ते हैं और खाते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट है ओमनीवोरस। एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स आर कोल्ड ओमनीवोरस। वहीं कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, इन्हें कहा जाता है ओमनीवोरस। इसके एग्जांपल्स हैं बियर, ह्यूमन बींग, पिग, रेट, क्रो, इटीसी। ये सभी ओमनीवोरस कहलाते हैं बिकॉज ये प्लांट और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। चलिए नेक्स्ट है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं, तो इन्हें कहा जाता, इसका हिंदी मीनिंग होता है परजीवी, जो दूसरे जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं उन्हें कहा जाता है पैरासाइट। ओके, तो सम एनिमल्स लिव इनसाइड और ऑन द बॉडीज ऑफ अदर लिविंग एनिमल्स टू ओबिटियन फूड। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो दूसरे एनिमल्स के बॉडी के अंदर या फिर बॉडी के सतह पर होते हैं और उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, दे आर कॉल्ड पैरासाइट। ऐसे एनिमल को कहा जाता है पैरासाइट्स। दे हैव सकर्स और सकिंग ट्यूब्स टू सक ब्लड फ्रॉम देयर होस्ट्स। इनके पास सक मतलब दूसरे होस्ट के बॉडी से भोजन को प्राप्त करने के लिए लॉन्ग ट्यूब होते हैं, जिसे सकर्स कहा जाता है और सकिंग ट्यूब कहा जाता है, जिसके सहारे या दूसरे एनिमल्स के बॉडी से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। द एनिमल्स ऑन विच पैरासाइट डिपेंड्स फॉर फूड आर कोल्ड होस्ट। तो वैसे एनिमल जिन पर एनिमल्स डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए उन्हें कहा जाता है होस्ट। ओके, लीच, बॉडी लॉस एंड लेग बग्स आर एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट। ये सभी पैरासाइट एनिमल्स के एग्जाम्पल्स हैं। कौन कौन? लीच, बॉडी लॉस और बेड बग्स। ओके बच्चों, हमारा अगला टॉपिक है एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन। अब ये एनिमल, इन एनिमल्स के जो बॉडी में कुछ एडेप्टिव फीचर्स होते हैं जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, खुद को प्रोटेक्ट करते हैं प्रेडेटर से, शिकारियों से। ओके, तो सम एनिमल्स प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर इनमीज बाय चेंजिंग द कलर ऑफ देयर स्किन टू मैच द कलर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो शिकारियों से बचने के लिए अपने बॉडी का के कलर को चेंज कर देते हैं एनवायरनमेंट के या सराउंडिंग के रंग के आधार पर। ओके, प्रीडेटर सच एज लायन एंड टाइगर हैव ब्राउन कलर्ड फर दैट हेल्प देम टू हाइड बाय मर्जिंग विद द कलर ऑफ द टॉल ड्राई ग्रास। कुछ ऐसे प्रीडेटर्स होते हैं जैसे लायन और टाइगर, ये ब्राउन कलर्ड होते हैं, इनके फर जो होते हैं वह भूरे कलर के होते हैं, जिससे वे क्या करते हैं कि सूखे घासों के बीच में छिप जाते हैं और ये बच जाते हैं शिकारियों से। ओके, दिस हेल्प देम टू कैच देयर प्रे इजली। इससे क्या करते हैं, ये शिकारियों से भी बचते हैं और साथ ही साथ इनके जो शिकार होते हैं जैसे डियर, रैबिट, माउस, इन्हें भी नहीं पता चलता कि यहाँ पर ये छुपे हुए हैं और उन्हें ये आसानी से पकड़ लेते हैं। दिस टाइप ऑफ कलरिंग टू मिक्स मर्ज विद द सराउंडिंग इज नॉन एज कैमोफ्लेज। तो वह ऐसी प्रक्रिया जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, अपने सराउंडिंग के कलर के आधार पर मर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, इसे कहा जाता है कैमोफ्लेज। क्या कहा जाता है बच्चों? कैमोफ्लेज कहा जाता है। ज़ेब्रास हैव स्ट्राइप्स ऑन देयर बॉडीज विच हेल्प देम टू मिक्स विद देयर सराउंडिंग टू इवेड प्रीडेटर्स। ज़ेब्रा का जो बॉडी होता है इनमें स्ट्राइप्स होते हैं, क्या होते हैं, धारियाँ होती हैं, जिसके सारे वे अपने सराउंडिंग में मर्ज हो जाते हैं। ओके, द वाइट कलर ऑफ अ पोलर बियर हेल्प इट टू मर्ज विद द वाइट स्नो। और पोलर बियर का जो फर होता है वह वाइट होता है, जिससे वे पोलर रीजन में मर्ज हो जाते हैं और उनके जो प्रीज होते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता है, वे वहाँ छुपे हुए हैं। चमेलियन चेंज बॉडी कलर टू मैच लीव्स एंड ब्रांचेज ऑफ ट्री। चमेलियन क्या करते हैं, जिस पेड़ पर रहते हैं उस पेड़ के ब्रांच और पत्तियों की तरह अपना कलर चेंज कर लेते हैं।
एनिमल्स लाइक एलिफेंट एंड हिप्पोपोटामस आर ह्यूज, देयर लार्ज स्केयर्स अवे मस्ट ऑफ देयर एनिमेज. वहीं कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो काफ़ी बड़े होते हैं, जैसे एलिफेंट हो गया, हिप्पोपोटामस हो गया, ये काफ़ी विशाल शरीर होते हैं जिससे कि इनके जो एनिमीज होते हैं दुश्मन डर के ही डर कर भाग जाते हैं. ओके, सम एनिमल्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग लेग दैट हेल्प देम टू फ्ली इन केस ऑफ डेंजर. वहीं कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिनके जो लेग्स होते हैं वह काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसके सहारे वे डेंजर को जब खतरा उन्हें महसूस होता है तो वह बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ डियर कैन रन फास्ट इनफ टू इवेड मस्ट ऑफ इट्स प्रेडेटर. वहीं एक डियर का जो हिरन के जो पैर होते हैं वह काफ़ी मजबूत होते हैं, जब उन्हें खतरा महसूस होता है तो वे काफ़ी तेज़ी से भागते हैं जिससे वे खुद को प्रोटेक्ट करते हैं. ओके, तो ये थे कुछ एडेप्टिव फीचर्स एनिमल्स के. तो इस तरह से बच्चों आपका लेसन फिनिश हुआ. आई होप आप सभी को सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे. अब मैं इस लेसन का वर्कशीट आपके ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा. आप सभी उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे और उसका पिक खींचकर ग्रुप में सेंड करेंगे ताकि मैं उसे चेक कर सकूँ. इसके बाद थर्सडे को मैं इस लेसन का सॉल्यूशन आपको दे दूंगा और आप सभी इसे फेयर में नोट्स कर लेंगे. क्लियर है बच्चों? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे.